अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ मुसफ़ा, अबू धाबी मुसफ़ा में। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला है दोस्तों, इसका नाम है खास बनू गुल। खास बनू गुल दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मकबूल है बनू पुलाव के लिए, और आज इसकी ओपनिंग हुई है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। मुसफ़ा नंबर 32 नंबर पर है ये। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आके देखें, 32 नंबर पे है ये मुसफ़ा, 32 नंबर है। और आज का व्लॉग जो है हम इसी के लिए बना रहे हैं, और यहाँ पूछते हैं कि कैसा है पुलाव, तो लोगों से बात करेंगे और इसके बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज जो पुलाव है ना, ये स्पेशल बनोगा और 17 वाला जैसा उसी तरह है। अच्छा इंशाल्लाह, लोगों ने बहुत पसंद किया, वो इससे बेहतर अच्छा हो जाएगा आगे इंशाल्लाह। जो भी मिलेगा, जो भी मांगते हैं इंशाल्लाह, आपने खुद देखा है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है भाई, कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का करम है भाई। आपका नाम क्या है? नवीद खान। नवीद खान कहाँ से हैं भाई आप? मैं खास बनू गुल से। अच्छा स्पेशल बनू गुल से, ठीक है। पाकिस्तान बनू से हैं? और बनू से मेरा ताल्लुक है माशाल्लाह। बनू से आपका ताल्लुक है, तो ये खाने का टेस्ट बिल्कुल बनू वाला होगा? स्पेशल बनू बनू का है, और कल जो ये होटल 1-2 महीना पहले तैयार हो चुका था, ठीक है, लेकिन इंतजार चंद उस्तादों का था, कारीगरों का था, खाना बनाने वालों का, क्योंकि वो स्पेशल हमने बनू से मंगवाए हैं, खास बनू से मंगवाए हैं वो, ठीक है, इसलिए कि वो लोग उस्ताद है। एक तो हमारे पास पिंसारी का हलवा जो बनू में बहुत ही मशहूर है, और एक जो बनू वाला पुलाव है, गोश्त पुलाव है, उसके जो हमने उस्ताद रखे हुए हैं ना, वो स्पेशल बनू के टॉप उस्तादों में से एक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल बनू के जो टेस्ट है उसके लिए स्पेशल इन्होंने जो अपने कुक बुलवाए हैं वो डायरेक्ट बनू से आए, तो आप लोगों को यहाँ पे खाने का टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे बनू में आप खाते हैं। माशाल्लाह आपकी बात मेरे को समझ में आ रही है, और पुलाव की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो खाने में क्या क्या होगा इसके अलावा? इंशाल्लाह खाने में जो हमारे बनू का स्पेशल जो पेंडा होते हैं ना, तलिया, हम उसको पेंडा बोलते हैं, तलिया बोलते हैं, ठीक है। और एक स्पेशल हमने एक कारीगर बुलवाया है, वो अभी तक आया नहीं है। अच्छा। और इंशाल्लाह हम पश्तो जुबान में उसको डेडीए वो सुबह बनिसोलश, हम डेडीए वो सुबह उसको कहते हैं, ठीक है। वो क्या चीज? इंशाल्लाह वो भी जो ज्वार का रोटी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। साथ साग होगा जैसे मक्खन होगा, और इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर आपको जो स्पेशल वो ऐसा फील करेंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे बनू में कुछ खा रहे हैं इंशाल्लाह, उससे बेहतर हो। अच्छा इसमें आपके पास जो खाना है इसमें आप कोई ऑफर दे रहे हैं लोगों को? जैसे अभी आपने ये नया रेस्टोरेंट खोला है, तो खाने की कोई ऑफर है आपके पास? ऑफर इंशाल्लाह ऑफर ऐसी है ना कि बहुत लोगों को फायदा होगा। ऑफर ये है कि 30 तारीख तक जो आने वाली 30 तारीख है, 30 मार्च जो है ना, जी जी, यानी रमजान से 1-2 दिन पहले, ठीक है। रमजान में हम सोचेंगे कि क्या करना है, लेकिन रमजान से 1-2 दिन पहले हमने ये डिसाइड किया हुआ है ना कि ये जो हमारी स्पेशल डिश है ना बनू बीफ पुलाव, जी जी, स्पेशल बनू बीफ पुलाव है ना खास बनू गुल का, उसमें हम ये ऑफर दे रहे हैं कि 2 पार्सल के साथ 1 पार्सल बिल्कुल फ्री मिलेगा। 2 पार्सल के साथ 1 पार्सल बिल्कुल फ्री मिलेगा। Buy 2 get 1 free है। Buy 2 get 1 free। तो दोस्तों आपने सुना कि अगर आप 2 चीजें परचेज करते हैं, मतलब 2 बनू पुलाव परचेज करते हैं, तो 1 बनू पुलाव फ्री है। बनू पुलाव की कीमत क्या है, कितने का है 1 बनू पुलाव? इंशाल्लाह जो हमारे पास जो 1 पार्सल है उसकी रेट 10 रुपए होगी, ठीक है, और एक दूसरा है उसकी रेट 15 रुपए होगी, ठीक है। जो 15 रुपए वाले है ना वो उसमें भी वही ऑफर है, उसमें भी वही ऑफर है, Buy 2 get 1 free, यानी 2 के साथ 1 free मिलेगा, और जो 10 वाली है ना उसमें भी 2 के साथ 1 free मिलेगा। और इंशाल्लाह रमजान में अगर अल्लाह ने चाहा तो इससे भी बेहतर हम ऑफर लगाएंगे, क्योंकि सवाब भी कमाएंगे और पैसा भी कमाएंगे इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, अल्लाह बरकत डालेगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अभी हम जाके किचन में देखेंगे आपका पुलाव किस तरह का है, हम जरा वो विजिट करेंगे, तो आप हमारे साथ चलें और हमें विजिट कराएं उसका। जी सर जी, अब बताएं आप पुलाव कैसा है आपका, जरा दिखाएं हमें। आप ये पुलाव देखो इंशाल्लाह, ये जो पुलाव है ना ये सा टेस्ट आपको सिर्फ बनू में ही मिलेगा। माशाल्लाह बनू जो पाकिस्तान का बहुत ही
मकबूल शहर बन चुका है उस बीफ पुलाव की वजह से। ये टेस्ट आपको सिर्फ बनू में ही मिलेगा। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये बड़ी वाली देग है जिसके अंदर कैमरा जा चुका है, और ये है बन्नू पुलाव जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ का एक बार बन्नू पुलाव ट्राई करें, आपको इसका टेस्ट बिल्कुल वही आएगा जैसा कि आप बन्नू में बैठ के खा रहे हो। ये जी जी खोलिए दिखाइए आज भाई साहब। ये हलवा है जो मैं बात कर रहा था ना, कि ये जो बन्नू का मशहूर हलवा है पिंसारी का हलवा, जी जी वो ये है। और इसके लिए जो हमने कारीगर मंगवाया है ना, वो जी जी। खास जो है पिंसारी का शागिर 14-15 साल से उसके साथ काम। अच्छा, कर रहा जरा निकाल के दिखाएंगे प्लेट में हलवा। ये देखो इंशाल्लाह एक बार चेक करोगे ना तो बार बार आओगे। ये ऐसा हलवा स्पेशल, ये इस पे ऊपर कर ले, ऊपर कर ले, ऊपर कर ले। बहुत से लोग जो है ना इसको सिर्फ खाने के लिए बहुत दूर-दूर से आते हैं, दूर-दूर से आते हैं। तो दोस्तों ये देखें आप, ये है वो हलवा जो जिसके बारे में ये बता रहे हैं। ये बन्नू का स्पेशल हलवा है, इसको क्या कहते हैं, पिंसारी का हलवा। बहुत से लोग इसको शिंसारी का हलवा भी अच्छा, बोलते हैं। तो ये स्पेशल पिंसारी का हलवा है, पिंसारी का हलवा है। ये स्पिन तो वो दूसरा भी होता है, वाइट का, वाइट इसको सफेद, ठीक है। तो दोस्तों ये हलवा है जो कि स्पेशल है यहाँ का बन्नू का, तो आप देख सकते हैं। अभी इन्होंने स्टार्ट किया है हलवा और पुलाव से। इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा, फिलहाल नाश्ता भी मिलेगा और खाने वाने में भी सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। दूर से आते हैं, दूर से आते हैं। तो दोस्तों ये देखें आप, ये है वो हलवा जो जिसके बारे में ये बता रहे हैं। ये बन्नू का स्पेशल हलवा है, इसको क्या कहते हैं, पिंसारी का हलवा। बहुत से लोग इसको शिंसारी का हलवा भी अच्छा, बोलते हैं। तो ये स्पेशल पिंसारी का हलवा है, पिंसारी एस से पी से नहीं, पिंसारी का हलवा है। ये स्पिन तो वो दूसरा भी होता है, वाइट का, वाइट इसको सफेद, ठीक है। तो दोस्तों ये हलवा है जो कि स्पेशल है यहाँ का बन्नू का, तो आप देख सकते हैं। अभी इन्होंने स्टार्ट किया है हलवा और पुलाव से। इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा, फिलहाल नाश्ता भी मिलेगा और खाने वाने में भी सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह भाई, आप यहाँ पे आए हुए हैं तो ये बन्नू पुलाव आप खा रहे हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में, कैसा है? अच्छा, आपको ये बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा है बन्नू वाला, माशाल्लाह। तो दोस्त आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा माशाल्लाह, देखें दोस्त यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं। भाई क्या कहते हैं आप इसके बारे में, मज़ा आ रहा है आपको? माशाल्लाह ये पश्तो में बता रहे हैं दोस्तों, जो हमारे पठान लोग हैं जो सुन रहे हैं वो समझें, आप पश्तो में बोल सकते हैं बिल्कुल। ये पुलाव है, अच्छा ये हमारे भाई, आप कहाँ से? अफगानिस्तान से। माशाल्लाह ये अफगानिस्तान से, ये भी पख्तून है, ये भी पख्तून है और ये पाकिस्तान से पख्तून है। तो ये सारे भाई लोग आपस में बैठे हुए हैं माशाल्लाह। चले जी बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई आप? ठीक है, खैरियत से? भाई आप इधर होटल में आए, ये बन्नू पुलाव खा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, इसके टेस्ट के बारे में क्या बोलेंगे बन्नू पुलाव के बारे में? इसका टेस्ट वैसे ही है जैसा ये लोग बता रहे हैं? बिल्कुल दफे लगे लगा बचाटी बगर पे जा पर बनी होती है खास बात बोल रहा। माशाल्लाह चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मुसफ़ा अबू धाबी के अंदर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मोस्टली यहाँ पे आपको पख्तूंस जो है वो ज़्यादा नज़र आएंगे, यहाँ पे उनके बहुत सारे बिजनेस हैं, काम है। तो इसी हिसाब से ये एक बन्नू का स्पेशल जिसे कहते हैं फूड है, और बन्नू पुलाव जिसके बारे में जो है वो हम दुबई में भी ढूंढते हैं, उसको बड़ा ढूंढ के वो टेस्ट जो है वो बड़ा ढूंढना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इंशाल्लाह आपको वो टेस्ट ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। और माशाल्लाह लोगों का रिव्यू भी मैंने देखा है, माशाल्लाह बहुत खुश हैं यहाँ पे लोग। और ये बिल्कुल देखें देसी तरीके से जैसे आप वहाँ पे खाते हैं उसी तरीके से बैठने का इन्होंने दोनों सेटअप लगाए हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल वे में अगर आप बैठना चाहते हैं, बैठ के आप जैसे आराम से अपने घर पे बैठ के खाते हैं, सेम उसी तरह कारपेट पे बैठ के ये लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे सिटिंग एरिया किया है ताकि जो लोग बैठ के खाना चाहते हैं सीट्स पे, वो सीट पे बैठ के खा सकते हैं, टेबल सीट यूज़ करते हुए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
पीछे भाई साहब जो है वो हाथ हिला रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो ये है दोस्तों वो होटल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ओपनिंग हुई है इनकी और बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, तो आपको पसंद आएगा। इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताता हूँ इसका एड्रेस क्या है। अगर आप मुसफ़ा अबू धाबी मुसफ़ा में आते हैं तो मुसफ़ा 32 नंबर है, ये 32 नंबर है, और 32 नंबर पे केएम ट्रेडिंग है। केएम ट्रेडिंग को अगर आप क्रॉस करते हैं उसकी बैक साइड पे आप आते हैं तो बैक साइड पे आपको पीसीआर टेस्ट एक सेंटर नज़र आएगा। पीसीआर टेस्ट सेंटर के बिल्कुल सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी, जिस बिल्डिंग के अंदर ये होटल है, ठीक है। इसका बाहर से भी व्यू मैं आपको करा देता हूँ कि बाहर का व्यू कैसा है। तो यहाँ बाहर से आके आप देख सकते हैं इसको, ये है दोस्तों खास बनू गुल के नाम से होटल है, ये देखें। यहाँ सामने आप देखें यहाँ पे पीसीआर टेस्ट है, आप अगर आते हैं यहाँ पे टेस्ट वगैरह कराने के लिए तो ये पीसीआर टेस्ट एरिया है। इसी टेस्ट सेंटर के सामने ये होटल है।